हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं शेयर करूँगी आपके साथ अपना चाइनीज़ डिनर रेसिपी। और चाइनीज़ रेसिपी में मैंने बनाया है यहाँ पे वेज मंचूरियन एंड फ्राइड राइस। तो चलिए देखते हैं। मैंने लिया है यहाँ पे पत्ता गोभी और गाजर। मैंने यहाँ पत्ता गोभी और गाजर को चॉपर में चॉप कर लिया है। और चॉप करने के बाद जो इसमें पानी निकल रहा है उसे मैं हाथों से दबा दबा करके निकाल लूँगी। पानी निकालने के बाद मैं इसमें मसाले मिलाऊँगी। और मैंने साथ के साथ यहाँ पे कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 3 चम्मच मैदा। मैदे के जगह आप चाहें तो बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर। मैदा और कॉर्नफ्लोर हम दोनों बराबर मात्रा में लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी लाल मिर्च पाउडर। और अब मैं ऐड करूंगी इसमें काली मिर्च पाउडर। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 चम्मच चिली सॉस। और मैं लास्ट में इसमें यूज़ करूंगी 1 चम्मच सोया सॉस और स्वादानुसार नमक। इसमें मैंने जो भी सॉस मिलाया है वो बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं इसे। इसके बाद मैं सबको अच्छे से मिला लूँगी। इन सबका मैं ऐसा डो तैयार करूँगी जो कि ज़्यादा सख्त भी ना हो और ज़्यादा मुलायम भी ना हो, जिससे कि मंचूरियन बॉल आसानी से बन सके। और ऑयल हमारा यहाँ पे गर्म हो चुका है। मैंने जो भी बॉल बनाए हैं मैं पहले इसमें डाल दूँगी। मैंने यहाँ पे सारे मंचूरियन को फ्राई कर लिया है। कढ़ाई में तेल ज़्यादा था तो मैंने उसे कम कर लिया है। तेल गर्म होने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी कटा हुआ हरा प्याज। और प्याज को 1 मिनट भुनने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी कटा हुआ पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और कटा हुआ हरा प्याज। 2 मिनट पकाने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी कुटा हुआ अदरक लहसुन और कटी हुई हरी मिर्च। फिर मैं इसे चलाते हुए 2 मिनट तक पकाऊंगी। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 चम्मच टमाटो केचप और करीब 1.5 चम्मच ग्रीन चिली सॉस। और इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूंगी करीब 1.5 चम्मच डार्क सोया सॉस। और अब मैं ऐड करूंगी इसमें स्वादानुसार नमक। और सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी गरम मसाला। मैंने लिया है यहाँ पे करीब 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और इसका मैं पेस्ट बना लूंगी और मैं इसमें डाल दूंगी। अब मैं मिलाऊंगी यहाँ पे पानी, जितना मुझे ग्रेवी रखना है उसके अकॉर्डिंग पानी मिलाऊंगी मैं। लास्ट में मैंने यूज किया है यहाँ पे वेनेगर। एक्चुअली वेनेगर डालते टाइम मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं फ़ोन से रिकॉर्डिंग करती हूँ और उससे मेरा कॉल आ गया था। और अब इसमें मैं लास्ट में मिला दूँगी मंचूरियन बॉल। मुझे मंचूरियन ग्रेवी वाला बनाना था इसलिए मैंने पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा ली है। वाइट वेनेगर आप बिल्कुल लास्ट में यूज करें क्योंकि उससे कड़वापन नहीं आता है। अब मैं बनाऊंगी फ्राइड राइस। इसके लिए मैंने लिया है एक कढ़ाई। कढ़ाई गर्म होने के बाद मैं इसमें डालूंगी ऑयल। इसके बाद मैं डालूंगी यहाँ पे कटी हुई हरी मिर्च। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी कटा हुआ हरा प्याज। 2 मिनट पकाने के बाद इसमें मैं ऐड करूंगी कटा हुआ शिमला मिर्च, गाजर और मटर। आप चाहें तो अपनी पसंद की सब्जी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें मिलाऊंगी नमक स्वादानुसार। नमक डालने के बाद मैं इसे ढक करके मीडियम आंच पे 5 मिनट के लिए पकाऊंगी। ढक्कन हटाने के बाद मैं इसे एक बार चला लूंगी। चलाने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी मसाले। सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड करूंगी हल्दी पाउडर। उसके बाद मैंने डार्क सोया सॉस यूज़ किया है। देन यूज़ किया है मैंने
ग्रीन चिली सॉस, और लास्ट में मैंने यूज किया है यहाँ पे आधा चम्मच टमाटो केचप और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। और फिर मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी चावल, और फिर मैं चावल को मसाले में अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज किया है देगी मिर्च पाउडर, इससे थोड़ा सा कलर आ जाता है और तीखा नहीं होता है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। देगी मिर्च डालने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी वाइट विनेगर, और उसके बाद कटा हुआ हरा धनिया। उसके बाद मैं इसे चलाते हुए 2 मिनट तक पका लूँगी। उसके बाद मैं गैस को करूँगी बंद और मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।